हेलो गाइस, वेलकम टू श्वेता क्लासेस यूट्यूब चैनल एंड दिस इज श्वेता तोमर। आप सब लोग, कल हम लोगों ने एक्सरसाइज 3.3 का पार्ट वन किया था, यानी क्वेश्चन नंबर 1, 2 एंड 3 कंप्लीट किया था। आज हम इसका पार्ट टू करेंगे, जिसमें क्वेश्चन नंबर 4 to 6 करेंगे, यानी 4, 5 एंड 6 क्वेश्चन हम कम्प्लीट करेंगे। जो क्वेश्चन थे हमारे वो बार ग्राफ के ऊपर बेस्ड थे, ठीक है, और आज के भी क्वेश्चन हमारे बार ग्राफ के ऊपर बेस्ड है। तो आप लोग पहले मुझे कमेंट करके ये बताइए कि ये जो बायोग्राफ वाला चैप्टर है ये कैसा लग रहा है आपको, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। इजी है ना चैप्टर, एक बार प्रैक्टिस करते चलेंगे सब कुछ क्लियर होता जाएगा, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। द परफॉर्मेंस ऑफ स्टूडेंट इन क्लास फर्स्ट टर्म एंड सेकेंड टर्म इज गिवन, यानी यहाँ पर जो आपको अब बायोग्राफ दिया हुआ है वो दो बायोग्राफ एक साथ किए हुए हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पर डिफरेंस पूछा है कि किस सब्जेक्ट में कितना इंक्रीमेंट हुआ, किस सब्जेक्ट में कितना डिक्रीमेंट हुआ। जो फर्स्ट टर्म वाले दिए हुए हैं आपको वो ग्रीन कलर से हैं, जो सेकंड टर्म वाले दिए हुए हैं वो पिंक कलर से, सेम सब्जेक्ट, ठीक है। इंग्लिश में फर्स्ट टर्म ग्रीन, इंग्लिश में सेकंड टर्म पिंक, हिंदी में फर्स्ट टर्म ग्रीन, हिंदी में सेकंड टर्म पिंक, इस तरीके से दिया हुआ है। ड्रॉ डबल बार ग्राफ चूजिंग एप्रोप्रिएट स्केल एंड आंसर द फॉलोइंग। डबल बार ग्राफ बनाने के लिए बोला था, लेकिन मैंने यहाँ आपके सामने बनाया हुआ है। क्यों बनाया हुआ है? क्योंकि मैं यहाँ आपको डबल बार ग्राफ कलर करके नहीं बता सकती। डबल तो बना बन जाएगा लेकिन वो कलर नहीं हो पाएगा ना, और सुंदर नहीं बन पाएगा। और जब तक चीजें परफेक्ट ना हो तब तक पढ़ने में मजा नहीं आता। जब हमें नॉर्मली बार ग्राफ बनाना हो तो हम कैसा भी बनाते हैं, लेकिन जब हमसे डबल बार ग्राफ पूछा है, वो भी मल्टी कलर में हमें बनाना है, तो थोड़ा सा ध्यान रखना। चलो फर्स्ट टर्म में देखो, इंग्लिश में कितने हैं 67 और सेकंड में 70, हाँ बने हुए हैं दोनों 67 और ये 70। हिंदी में कितने हैं 72 और सॉरी हिंदी में 72 और 65। मैथ्स में है 88 और 95, ठीक। साइंस में है 81 और 85 और सोशल साइंस में 73 और 75। तो पहले तो हम यहाँ ये चीज देख लें कि किसमें इंक्रीमेंट हुआ और किसमें डिक्रीमेंट हुआ। यहाँ देखो इंग्लिश के जो सब्जेक्ट हैं उसमें फर्स्ट टर्म में 67 थे और लास्ट में सेकंड टर्म में कितने आए 70, यानी इंक्रीमेंट किया। हिंदी में फर्स्ट टर्म में तो 72 थे लेकिन सेकेंड टर्म में 65, तो डिक्रीमेंट हुआ। मैथ्स में फर्स्ट टर्म 88 और सेकंड टर्म 95, तो इंक्रीमेंट हुआ। साइंस में फर्स्ट टर्म में 81, सेकंड टर्म में 85, तो इंक्रीमेंट हुआ। और सोशल साइंस में भी इंक्रीमेंट हुआ 73 to 75। अब देखते हैं इससे रिलेटेड क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि इन विच सब्जेक्ट हैज द चाइल्ड इम्प्रूव्ड हिज परफॉर्मेंस द मोस्ट, किस सब्जेक्ट में चाइल्ड ने सबसे ज्यादा इम्प्रूवमेंट किया है, बताओ किस सब्जेक्ट में किया है। ये रहा आपके सामने ग्राफ, जल्दी से बताओ किस सब्जेक्ट में किया है। देखो 67 से 70 आने में कितने मार्क्स, 3 मार्क्स, ठीक है। 72 ये तो डिक्रीमेंट हो गया, 88 से 95, भाई 88 और 95 से 7 मार्क्स का इम्प्रूवमेंट हुआ है। यहाँ पर 4 मार्क्स का इम्प्रूवमेंट हुआ है, यहाँ पर 2 मार्क्स का। तो सबसे ज्यादा किस में हुआ है, सबसे ज्यादा मैथ्स में इम्प्रूवमेंट हुआ है, ठीक है। तो हम ये लिख सकते हैं यहाँ पर बाय ऑब्जर्विंग बार ग्राफ देयर वाज अ मैक्सिमम मार्क्स इंक्रीज इन मैथ्स, ठीक है। दैट इज कितने मार्क्स का, 7 मार्क्स, ठीक है। कितने मार्क्स का इंक्रीमेंट हुआ, 7 मार्क्स का इंक्रीमेंट हुआ। नेक्स्ट क्या पूछा है, इन विच सब्जेक्ट इज द इम्प्रूवमेंट लीस्ट, कौन से सब्जेक्ट में इम्प्रूवमेंट सबसे कम हुआ। तो कौन से सब्जेक्ट में हुआ, जल्दी देख के बताओ कौन से सब्जेक्ट में हुआ है। सोशल साइंस में केवल 2 मार्क्स का इम्प्रूवमेंट हुआ है, ठीक है। तो हम क्या लिख सकते हैं,
क्या लिख सकते हैं? इंप्रूवमेंट वॉज लीस्ट इन सोशल साइंस, दैट इज मार्क्स. ठीक है, नेक्स्ट. हैज द परफॉर्मेंस गॉन डाउन इन एनी सब्जेक्ट? क्या फिर सब्जेक्ट में परफॉर्मेंस डाउन हो रही है? नहीं, ऐसा तो नहीं है. किसी में डाउन हो रही है, किसी में अप हो रही है ना? द परफॉर्मेंस इन हिंदी हैज गॉन डाउन. यानी केवल एक हिंदी ही ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आपकी परफॉर्मेंस डाउन हो रही है, बाकी सब में परफॉर्मेंस अप हो रही है, चाहे 1 मार्क्स की हो या 2 मार्क्स की हो. ठीक है, नेक्स्ट है. कंसिडर द डाटा कलेक्टेड फ्रॉम अ सर्वे ऑफ अ कॉलोनी. अब कॉलोनी का एक सर्वे किया जिसमें से कुछ डाटा कलेक्ट किया, जिसमें क्या दिया हुआ है? कुछ गेम्स दिए हुए हैं, कितने लोग उनको देखते हैं और कितने लोग उसमें पार्टिसिपेट करते हैं. ठीक है, तो क्रिकेट है, बास्केटबॉल है, स्विमिंग है, हॉकी है और एथलेटिक्स है. सबका डाटा आपके सामने दिया हुआ है और नीचे मैंने आपके सामने बार ग्राफ भी इसके लिए बनाया हुआ है. ठीक है, ड्रॉ आ डबल बार ग्राफ चूजिंग एन एप्रोप्रिएट स्केल. तो आप डबल बार ग्राफ खुद से ड्रॉ करेंगे अपनी नोटबुक में, सुंदर सा जैसा मैंने बनाया है वैसे ही ड्रॉ कर लेंगे. कलर आप कोई भी यूज कर सकते हो, जरूरी नहीं है कि आप लोग ग्रीन और पिंक लेंगे, कोई भी कलर जो भी आप चाहो वो यूज कर सकते हो. अब क्वेश्चन में क्या पूछा है? व्हाट डू यू इन्फर फ्रॉम द बार ग्राफ? आपको बार ग्राफ से क्या समझ में आ रहा है? ठीक है, तो बार ग्राफ से हमें क्या समझ में आ रहा है? ये बहुत लंबा चौड़ा सा आपका आंसर है. बार ग्राफ से हमें ये समझ में आ रहा है कि कितने लोगों ने किस गेम को देखा और कितने लोगों ने उसमें पार्टिसिपेट किया. ठीक है, तो लिख लेते हैं एक बार, थोड़ा सा मेरे साथ लिखेंगे साथ साथ. द फिगर या बार ग्राफ रिप्रेजेंट द पीपल प्रिफर आइदर वॉचिंग और पार्टिसिपेटिंग इन प्रिंट स्पोर्ट्स. ठीक है, कि पीपल पार्टिसिपेट कर रहे हैं या वो देख रहे हैं, ये हमारा इस बार ग्राफ पे शो हो रहा है. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. विच स्पोर्ट इज मोस्ट पॉपुलर? कौन सा स्पोर्ट मोस्ट पॉपुलर है? बताओ कौन सा स्पोर्ट मोस्ट पॉपुलर है. तो देखो, सबसे ज्यादा क्रिकेट ही देख रहे हैं और क्रिकेट में ही पार्टिसिपेट भी कर रहे हैं. हम क्या करेंगे? द मोस्ट पॉपुलर स्पोर्ट इज क्रिकेट. ठीक है, क्योंकि सबसे ज्यादा लोग उसी को देख रहे हैं और उसी में पार्टिसिपेट भी कर रहे हैं. नेक्स्ट क्या पूछा है? Which is more preferred, watching or participating in sports? क्या पूछा है क्वेश्चन में? Which is more preferred? क्या लोग ज्यादा पसंद कर रहे हैं, देखना या पार्टिसिपेट करना? क्या पसंद कर रहे हैं देखो आप भाई? वॉचिंग करना ज्यादा लोग पसंद कर रहे हैं ना. वॉचिंग देखो क्रिकेट की कितनी है, 1,240, 470, 510. तो देखना लोग ज्यादा पसंद कर रहे हैं ना. तो हम क्या लिखेंगे? बाय ऑब्जर्विंग द बार ग्राफ वी
came to conclude that watching sports has more preference rather than participating in sports. ठीक है, क्लियर? भाई देखना लोग ज्यादा पसंद कर रहे हैं बजाय मैं पार्टिसिपेट करने के. नेक्स्ट, जल्दी से लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लो आप लोग. यहाँ पर आप अपनी क्वेरीज को पूछ सकते हो. टेलीग्राम का लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन पे दिया हुआ है. ठीक है, आपकी जो क्लास का टाइमिंग है वो 1:30 PM यानी 1:30 PM पर डेली आपको एक क्लास मिलती है. तो आप लोगों को देर नहीं करनी. जिन लोगों ने अभी तक लाइक नहीं किया और आज फर्स्ट टाइम वीडियो देख रहे हैं, सब्सक्राइब नहीं किया, तो वो लोग लाइक भी कर लें और सब्सक्राइब भी कर लें. बिल्कुल कंजूसी नहीं करनी है दोनों काम करने में. ठीक है ना, फेसबुक पर भी आपको डेली अपडेट्स मिल जाती है. जो वीडियो आपको यूट्यूब पर मिलेगी वो वीडियो आपको फेसबुक पर भी मिलेगी. ठीक है, चलो फिर क्या है. विच सिटी हैज द लार्जेस्ट डिफरेंस द मिनिमम एंड द मैक्सिमम टेम्परेचर. अच्छा, ये कोई क्वेश्चन भी आ गया, क्वेश्चन लिखा हुआ नहीं है. अच्छा, ये क्वेश्चन पीछे चले गया और ये हमारा क्वेश्चन है. ठीक है, क्वेश्चन क्या है. टेक द डाटा गिवन इन द मैक्सिमम मिनिमम एंड द मैक्सिमम टेम्परेचर ऑफ द वेरियस सिटीज. यानी अलग अलग सिटीज का मैक्सिमम और मिनिमम टेम्परेचर को यहाँ पर डिनोट किया गया है. ठीक है, प्लॉट अ डबल बार ग्राफ यूजिंग द डाटा एंड आंसर द फॉलोइंग. आपको एक बार ग्राफ बनाना है जो मैंने आपके सामने बनाया हुआ है. सेम जैसे अब तक बनाते हुए आ रहे वैसे ही बनाएंगे. दो बार ग्राफ एक साथ बनाने, एक मैक्सिमम का और एक मिनिमम का. ठीक है, अब क्वेश्चन क्या पूछे हुए हैं. क्वेश्चन ये पूछे हुए हैं, विच सिटी हैज द लार्जेस्ट डिफरेंस इन द मिनिमम एंड द मैक्सिमम टेम्परेचर ऑन द डाटा. क्या लिखेंगे. बाय ऑब्जर्विंग डबल बार ग्राफ we came to know that Jammu has the largest difference in the मिनिमम एंड मैक्सिमम टेम्परेचर. ठीक है, ऑन 26,006. देख लेते हैं एक बार. देखो क्या बताया मैंने आपको, कौन सी सिटी में डिफरेंस सबसे ज्यादा बताया, जम्मू में. तो जम्मू कहाँ है, यहाँ है जम्मू. देखो ये टेम्परेचर था मैक्सिमम और ये टेम्परेचर था मिनिमम. सबसे ज्यादा डिफरेंस है और किसी सिटी में इतना टेम्परेचर में डिफरेंस नहीं है. ठीक है, नेक्स्ट वाला देखो क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इज द हॉटेस्ट सिटी एंड विच इज द कोल्डेस्ट सिटी. कौन सी सिटी हॉटेस्ट है, कौन सी सिटी कोल्डेस्ट है. तो क्या बोलेंगे, जम्मू इज द हॉटेस्ट सिटी. यानी टेम्परेचर सबसे ज्यादा है वहां पर. कितना टेम्परेचर है, 40 के अराउंड टेम्परेचर है ना, हॉटेस्ट. तो क्या बोलेंगे, जम्मू इज द हॉटेस्ट सिटी एंड बेंगलुरु इज द कोल्डेस्ट सिटी. ऐसा होता नहीं है वैसे, लेकिन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमें आंसर देना है. इज द कोल्डेस्ट. ठीक है, ऐसा तो जम्मू बहुत ठंडा रहता है, वहां तो गर्मी का मतलब ही नहीं है, लेकिन
क्वेश्चन में हमें ऐसा दिया हुआ है, ग्राफ में हमें ऐसा दिया हुआ है, अकॉर्डिंग टू ग्राफ हमें आंसर देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेम टू सिटीज वेयर मैक्सिमम टेम्परेचर ऑफ वन वॉज लेस देन द मिनिमम टेम्परेचर ऑफ द अदर। तो देख लेते हैं एक बार, जयपुर, ये जयपुर है। दूसरा क्वेश्चन क्या था, नेम टू सिटीज वेयर मैक्सिमम टेम्परेचर ऑफ वन वॉज लेस देन द मिनिमम टेम्परेचर ऑफ द अदर। बेंगलुरु, बेंगलुरु एंड जयपुर, ये बेंगलुरु एंड जयपुर, और बेंगलुरु एंड अहमदाबाद। ठीक है, हम क्या लिखेंगे, बेंगलुरु एंड जयपुर और बेंगलुरु एंड अहमदाबाद फॉर बेंगलुरु द मैक्सिमम टेम्परेचर वॉज 28 डिग्री सेल्सियस व्हाइल मिनिमम टेम्परेचर ऑफ बोथ अहमदाबाद एंड जयपुर वॉज 29 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, नेक्स्ट देखो, नेम द सिटी विच हैज द लीस्ट डिफरेंस बिटवीन इट्स मिनिमम एंड द मैक्सिमम टेम्परेचर। ऐसी सिटी का नाम बताओ जिसके मिनिमम और मैक्सिमम टेम्परेचर में सबसे कम डिफरेंस है। तो मुझे तो यहाँ पर नजर आ रहा है कि वो मुंबई है। ठीक है, यही हम लिख भी देंगे, हम क्या लिखेंगे, मुंबई हैज द लीस्ट डिफरेंस बिटवीन इट्स मिनिमम एंड द मैक्सिमम टेम्परेचर। ठीक है, ये आपके क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं इस एक्सरसाइज के, और ये एक्सरसाइज भी फिनिश होती है। तो आप लोगों को क्या करना है, आप लोगों को केवल प्रैक्टिस एक बार कर लेनी है पूरी की पूरी एक्सरसाइज की, जिससे अगर कोई डाउट रह गया है तो उसे आप मुझसे पूछ सको। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे आपको सेशन कैसा लगा। इन लोगों ने अभी तक लाइक नहीं किया, लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, और जो लोग फर्स्ट टाइम देख रहे हैं वो फटाफट से सब्सक्राइब कर लेंगे। क्लास का टाइम सभी को पता है 1:30 PM है, आप किसी भी टाइम दिन में जब भी आपको टाइम मिले क्लास को देख सकते हो। ठीक है, तो कमेंट करना बिल्कुल नहीं भूलें। कल फिर मिलेंगे इसी टाइम पर, तब तक के लिए कीप वॉचिंग मी, बाय बाय।